लोकल में श्री गांव का बच्चा हूँ, यही जंगल में श्री गांव में पैदा हुआ हूँ, यही पला बड़ा हूँ, यही पढ़ा लिखा हूँ, यही नौकरी की है, यही शादी हुई है, यही बच्चे और बच्चों के बच्चे, यही मेरा परिवार है, ये गांव है मेरे, जो कुछ है मतलब ये गांव है, ये जन्मभूमि भी है और ये मेरी कर्मभूमि भी है। देखो मैं अभी नाम लेते पटाखा छत मिस्त्री की छोटे से लोग हैं, मना कर रखा भैया गवर्नमेंट ने बंद पटाखे चलाने के लिए, तो मैं आप ही के बीच से हूं और अभी इन 5 सालों की बात करता हूं, तो मुझे लगता है कि मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे गांव के लोगों को या क्षेत्र के लोगों को शर्मिंदा होना पड़े। अगर ऐसा है तो आप हाथ उठा के बोल सकते हैं। आपके गांव में छोटे से मैं बेलने के जेल में काम किए हैं, आपके गांव में आधे लोगों को पता ही नहीं है। अभी पीछे एक मंच लगा था 10 दिन 15 दिन पहले, तो मेरे कामों को गिनाया जा रहा था जो मैंने काम किए हैं, इसलिए मुझे आप लोगों को यह बताना बहुत जरूरी है कि कौन से काम किसने किए हैं। आपके गांव में पहला काम जिसे आप सब परेशान थे, कई बार लोगों ने राजनीति कर करके इन टावरों को हटवाया, कितनी मुश्किल से ये टावर और 2 टावर और आपके गांव के लिए पास करा दिए जो अगले महीने लग जाएंगे 2 टावर। आपके गांव में डिस्पेंसरी बनी, मैं हाथ बोलते रहो, थोड़ा सा आपको भी ताली बजाने से ना हिम्मत आपके घर में ठंड बांध जाएगी, करते रहो थोड़ा काम, मैं जल्दी आपको फ्री करूंगा। डिस्पेंसरी बनी, आपने लड्डू खाए थे, मैंने बनाई, भैया दुश्मन कहीं नहीं छोड़ेंगे। पूरे दम बना हुआ था या नहीं बना हुआ था, ईमानदार बताओ, आज बैठने के बाद घूमने लायक जगह हो गई क्या नहीं? अभी भी मैंने 50 लाख रुपए और पास कराए, इसको ऐसे बोलते हैं काम, ये नहीं तीसरे के काम लोगों के बनाओ और अपने नंबर बनाओ, जीते नंबर नहीं बनाए थे। कई लोगों को पता ही नहीं था, नए विचारों को उसकी हाँ ना करे जाने थे, सरासर गलत ये झोल आपके सामने। कभी आपने सुना कि किसी झोल के रहने के लिए 1.5 करोड़ रुपए खर्च हुआ हो? कहीं भी आपने यूपी हरियाणा भारत के किसी कोने में अगर आपने सुना हो कि 1.5 करोड़ रुपया सिर्फ झोल बताओ, हमने किया, दिखाया हमने, आपके सामने उदाहरण है। तीसरा काम तीन हो गए, चौथा काम भारत ऐसा नहीं था जैसा आज है, सिर्फ ऐसी 4 दीवारी कमेटी थी, वो भी इतनी ऊंची थी कि उसके अंदर कुछ भी करो पता नहीं लगता था। आज जो भारत बना है उसकी दीवारें देखो, उसको भारत बोलते हैं, उसके अंदर महिलाओं के लिए चिन्ह है, बच्चों के खेलने के लिए है। वो बात अलग है कि मेरे गांव में बच्चे थोड़े ज्यादा फैले हैं, ज्यादा ताकतवर हैं, उन्होंने जिनको खिलौनों को खेलने वाले खेलों को झूलों को 1 साल में तोड़ के फेंक दिया। अब उनका देखो बच्चों का कोई कसूर नहीं है, बच्चे ही पकड़े मेरे गांव में। ये तो झूले बनाने वाली कंपनी को देखना चाहिए था कि झूले लग कर, मैंने कही थी उनको, मैं कहा झूले में झूले लगा दो, सोचे लगाना कमजोर नहीं होने चाहिए, लेकिन क्या करें, वो कंपनी है भैया, उन्होंने 2 रुपए कमा लेंगे तो लगे फर्क। आपको अच्छा लगता है, पहले से नहीं लगता, उसने प्याऊ भी लगवाया है, देखा होगा आपने, वाटर खुला ठंडा भी ठीक काम है मेरे ही है। पूरे गांव में लाइटें लगवाई घूम घूम के, अब ये रोशनी दिखाई देती है, पहले इसमें 4 लाइटें लग रही थी जिसमें से 1 या 2 चलती थी, ऐसे ही था जो यहाँ के वो तो बोल सकते हैं काम हुआ, सड़कें बनी रही है, सीधे का काम चल ही रहा है, नालियां बन रही हैं, जो थोड़ा बहुत रह गया है वो मेरा आपसे वादा है, पैसा पास है, वो सारे काम पूरे होंगे। बेटी से बनवाया उसके साथ में कहा अपनी धार्मिक द्वार के साथ में देखा, गर्मी सर्दी बच्चों की मिलाई जाती थी, तो मैं डांसिंग देखती थी, कोर्ट में खड़ी होती थी, बच्चे चोरी जाती थी, तो बनवाया उसके लिए भी मेरे साथ काफी बनवाया था, उसकी रिगार्डिंग में काफी ड्रामा खड़ा, लेकिन हमने वो बनवाया। मैंने कहा भैया स्कूल में आए तो बच्चा एडमिट कराने मत करियो, मगर मेरे गांव की महिलाएं बाल्टी में भिगेंगी,
धर्म में चलेंगी ये मेरे को बर्दाश्त नहीं है। इसलिए हमने लड़ झगड़ के स्कूल से लोहेटो वालों से वो वहां पे बनवाया बेटिंग से, उसके साथ में अंबेडकर जी की मूर्ति। कई लोग सोचते हैं कि अंबेडकर जी ने काम सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लिए किया है, ये गलत है। ऐसा ऐसा कहा आप लोग समझ रहे हैं कि उन्होंने संविधान जो बनाया उसमें जो अधिकार है, जो हम कंप्लेंट करते हैं या कोर्ट जाते हैं वकील करते हैं अपने हक अधिकार के लड़ते हैं, क्या वो सिर्फ शेड्यूल कास्टों के लिए, सभी के लिए है। तो वो जो बाला साहब ने काम किया सभी के लिए किया था, के नहीं है किसी एक बिरादरी के नहीं है। ये है कि भाई हम ज्यादा मानते हैं तो लोगों को लगता है कि भाई ये इन्हीं के हैं, ऐसा नहीं है। उन्होंने पूरे देश के लिए काम के लिया, सबके लिए वो सबके हैं। पहले हमारे स्कूलों को कोई नाम नहीं थे, हमने स्कूलों को नाम रखे। महात्मा ज्योतिबा फूले, वो सारे लोगों को यह पता होगा कि शायद ये एससी कोटे से है, शेड्यूल कास्ट है। वो एससी कोटे से नहीं है, वो ओबीसी जाति से है। इस देश में जो शिक्षा बांटने का काम किया वो महात्मा ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले ने किया, इसलिए हमने महात्मा ज्योतिबा फूले का नाम पाया। और यही नहीं, यही काम मैरम नगर के लोग मौजूद हैं, यहाँ आए हुए हैं, उनसे पूछ सकते हैं। मैरम नगर का गांव का जो पार्क है वो जो कंपनी बाग है उसके बाद दूसरा नंबर उस पार्क का आता है। हाँ जी ईमानदारी बताओ, आज की डेट में आपको ना बताओ मैं बता दूं, कंपनी बाग के बाद दूसरे नंबर आपके नए नगर गांव का आता पार्क का। जो काम यहाँ हो रहे हैं वो काम वहां भी नहीं रहेंगे, कुछ काम है जो रह गए हैं। हमारा छोटी सी छोटी छोटा सा छोटा मैं जितने काम कर सकता था किए हैं, ज्यादा से ज्यादा किए हैं, बिना किसी हेरा फेरी के किए हैं। पूरे गांव में 700 मकान लोग